Hello everybody, welcome to Civil Stab. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of medieval history और आज हम एक new topic start करने जा रहे हैं, that is the Marathas, जिसमें कि हम Maratha Empire के बारे में discussion करेंगे. So अभी तक हमने इन सारे topics को cover कर लिया है and today we are gonna start the fifth topic of medieval history, that is the Marathas. और इससे past 23 years में 6 questions पूछे गए हैं. Alright, so now let's start this video. But before starting, let me tell you that current affairs are also a very important part for UPSC prelims specially, and therefore we have started a current affairs test series जो हमने 1st April से start की थी, and it has 10 full length test and question के साथ साथ we also provide you detailed explanation जिससे कि आप past 1.5 years के current affairs को revise कर सकते हैं, and we got a very good response on that. That's why we started the batch 2 of this current affairs test series जिसमें कि 5 full length test है और इससे भी आप past 1.5 years के current affairs को revise कर सकते हैं. So आप अपनी convenience के according choose कर सकते हैं between batch 1 and batch 2, and for more details about the test series you can click on the link given in the description box. So now let's start with this video. So सबसे पहले हम बताएंगे कि मराठा एम्पायर जिस टाइम पर स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पर क्या बैकग्राउंड था, क्या सर्कमस्टेंसेस थी कंट्री में. सो मराठास हैड इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर. तो जो अहमदनगर और बीजापुर का जो एरिया था, जो उसकी डायनेस्टीज थी जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम जो था उसमें इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे थे मराठास. तो वहाँ से इनकी शुरुआत हुई, एंड दैट देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैड ग्रोन एज द मुगल्स एडवांस टूवर्ड्स द डेक्कन. तो जैसे जैसे मुगल्स जो थे उन्होंने जो है अहमदनगर और बीजापुर, आपको भी पता है, इन सारे जो एरियाज़ हैं इन पर अटैक करना शुरू कर दिया था. तो जैसे ही मुगल्स ने इनकी पावर को वीक किया, अहमदनगर और बीजापुर वाले एरिया को, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री सिस्टम में जो मराठास थे उन्होंने अपनी धीरे धीरे गवर्नमेंट में अपने पावर और इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया. क्योंकि जैसे ही रूलर जो है वो वीक हुआ तो जो ये मराठास थे इन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया. ठीक है, सो इस तरीके से जो डेक्कनी सुल्तान्स थे और मुगल्स थे दोनों ही वो चाहते थे कि मराठास का सपोर्ट उनको मिले, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर लिया था उस टाइम पर. लेकिन मराठास के पास उस टाइम पर कोई भी वेल एस्टैब्लिश स्टेट नहीं था, जैसे राजपूत के पास हुआ करता था ऐसे मराठास के पास नहीं था. तो उसी जो उनका मोटिव था उसी को पूरा करने के लिए शाहजी भोंसले जो थे और एंड हिज सन शिवाजी, तो इसका क्रेडिट जाता है शाहजी भोंसले एंड हिज सन शिवाजी, जिन्होंने जो है मराठास के लिए लार्ज स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं. एंड इसके बाद एक ट्रीटी हुई 1636 में, जिसके अंडर क्या हुआ, जो शाहजी जिन जिन टेरिटरीज़ पे डोमिनेट करते थे उन टेरिटरीज़ को वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, ऐसा इस ट्रीटी के अंडर हुआ, ट्रीटी ऑफ 1636 में. एंड ही ज्वाइन द सर्विस ऑफ बीजापुर एंड टर्न हिज एनर्जीज टू कर्नाटका. और यहीं से ही जो है शिवाजी का जो अटैम्प्ट था टू कार्व आउट अ लार्ज प्रिंसिपैलिटी अराउंड पूना, वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ था, कि जो शाहजी को उनकी टेरिटरीज को यील्ड करने का मौका मिला था उसी के हिसाब से, उसी बैकग्राउंड को लेकर शिवाजी ने बाद में पूना के अराउंड एक लार्ज प्रिंसिपैलिटी इस्टेब्लिश करने का जो बैकग्राउंड था वो यहीं से इनिशिएट हुआ. सो गाइस, दिस वाज द बैकग्राउंड, आई होप आपको समझ आया होगा. एंड अब हम बढ़ते हैं जो मराठा एम्पायर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनका नाम भी सुना है, विच इज शिवाजी. सो जो शाहजी थे शिवाजी के फादर, ही लेफ्ट द पूना जागीर टू हिज माइनर सन शिवाजी. और 18 की एज में ही जो शिवाजी थे ही ओवररन अ नंबर ऑफ हिल फोर्ट्स नियर पूना राजगढ़ कोंडाना एंड तोरना इन द ईयर 1645-47. तो एज 18 की एज से ही शिवाजी ने जो है इन सारे हिल फोर्ट्स को ओवररन कर लिया था. उसके बाद 1674 में शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट रायगढ़. तो जो किंग का टाइटल है वो शिवाजी ने कब लिया, 1674 में. और इसके जो है बहुत सारे पर्पजेस सर्व किए, जो फॉर्मल कोरोनेशन सेरेमनी थी उसके बहुत सारे उसने रीजन्स थे, बहुत सारे पर्पजेस सर्व किए
वो हमारे पास नीचे गिवन है, कौन कौन से। फर्स्ट तो ये है कि उस टाइम पर जो है बहुत सारे मराठा चीफ्स प्रवेल करते थे, तो जब शिवाजी ने अपने आप को कॉरोनेट कर लिया, जब क्राउन कर लिया, तो इट प्लेस्ड हिम ऑन अ पेडेस्टल मच हायर देन एनी ऑफ द मराठा चीफ्स। तो जो और मराठा चीफ्स थे उन सभी से ऊपर उठ के शिवाजी को एक पेडेस्टल पर इस्टेब्लिश कर दिया बाय दिस फॉर्मल कॉरोनेशन सेरेमनी। उसके साथ साथ जब फॉर्मली क्राउन किया गया शिवाजी को, तो एक फॉर्मल डेक्लेरेशन की गई बाय अ प्रीस्ट दैट शिवाजी वाज अ हाई क्लास क्षत्रिय। तो जो सोसाइटी है उसमें भी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए और एक्सेप्टेंस के दिखाने के लिए एक प्रीस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि शिवाजी इज़ अ हाई क्लास क्षत्रिय। उसके साथ साथ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अब वो क्या कर सकते थे, डेक्कनी सुल्तान के साथ ट्रीटीज़ कर सकते थे। इससे पहले जो है उनके पास किंग का टाइटल नहीं था, इसलिए वो जो अदर किंग्स हैं उनके साथ ट्रीटी करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब जब फॉर्मल कॉरोनेशन सेरेमनी के बाद ही कुड एंटर ट्रीटीज विद अदर डेक्कनी सुल्तान्स। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस हैं किस चीज़ के, फॉर्मल कॉरोनेशन के शिवाजी के, जो वो कब हुई थी, इन 1674। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड इन 1676 ही अंडरटुक अ बोल्ड न्यू एडवेंचर। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर्स मदना एंड अखन, दीज टू आर द नेम्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी अंडरटुक एन एक्सपेडिशन इनटू द बीजापुरी कर्नाटक, और जो वहाँ का रूलर था उस टाइम पर कुतुब शाह। सो शिवाजी वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम बाय द कुतुब शाह, और उसके बाद एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें कि कुतुब शाह अग्रीड टू पे अ सब्सिडी ऑफ 1 लाख हुंस एनुअली टू शिवाजी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या एग्रीमेंट हुआ कि एक मराठा एम्बेसडर रहेगा कुतुब शाह के कोर्ट में। तो ये जो है बीजापुरी कर्नाटका का जो रूलर था उसके साथ शिवाजी ने ये एग्रीमेंट किया, एंड दिस ट्रीटी वॉज वेरी फेवरेबल फॉर शिवाजी, एंड दिस इनेबल्ड हिम टू कैप्चर जिंजी एंड वेलोर फ्रॉम बीजापुरी ऑफिशियल्स। तो इस ट्रीटी के बाद क्या किया शिवाजी ने, जिंजी और वेलोर का एरिया जो था उसको भी कैप्चर कर लिया, एंड ऑल्सो टू कॉन्कर मच ऑफ द टेरिटरीज हेल्ड बाई हिज हाफ ब्रदर एकोजी। सो गाइज दिस ये जो सारे थे ये शिवाजी के मेजर कैंपेन्स थे, कॉन्क्वेस्ट थे। अब हम जानेंगे शिवाजी के थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरीके का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। सो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ हैंदव धर्मोधारक, मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ। और शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था दैट वाज लार्जली बोरोड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द डेक्कनी स्टेट्स, क्योंकि डेक्कनी स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको ही सर्व करते थे मराठा जिससे पहले, तो उन्हीं का ही, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मराठास के ऊपर, इसलिए उन्हीं का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है दैट वॉज बोरोड बाई शिवाजी ऑल्सो। एंड शिवाजी डेजिग्नेटेड 8 मिनिस्टर्स जिनको अष्ट प्रधान नाम से बोला जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अष्ट प्रधान जो थे देवर इन द टाइम ऑफ मराठास, एंड शिवाजी डेजिग्नेटेड दैम एट फर्स्ट, और इसमें जो है 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और यहाँ पर हमारे पास उनकी सबकी डेजिग्नेशन गिवन है। सो प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड पेशवा, देन फाइनेंस मिनिस्टर वॉज कॉल्ड अमात्य और मजूमदार, होम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड वकिया नाविस, और डीलिंग विद द आउटसाइडर्स, तो जो मिनिस्टर आउटसाइडर्स फॉरेन अफेयर से डील करता था दैट वॉज कॉल्ड सुमंत और दाबिर, देन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज कॉल्ड सचिव, ऑफिशियल रिलीजियस ऑफिसर वॉज कॉल्ड पंडित राव, आर्मी अफेयर्स के लिए जो मिनिस्टर था दैट वॉज कॉल्ड सर ए नबुआत, एंड जुडिशरी के लिए जो पर्सन था दैट वॉज न्यायाधीश। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स को, सॉरी 8 डिपार्टमेंट्स में एम्पायर को बांट लिया था, और उस हिसाब से 8 मिनिस्टर्स डेजिग्नेट किए गए थे बाय दी शिवाजी। ये सारे नाम और इनके क्या क्या फंक्शंस थे ये सब आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी जनरली पूछती है। इन 8 मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए 8 सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स भी नॉमिनेट किए जाते थे, एंड देवर नोन एज दीवान, मजूमदार, फड़नविस, दफ्तरदार, कारखानी, चितनिस, जमदार एंड पॉटनिस। तो उनके साथ साथ आपको ये भी नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो कारखानी था या फिर जो चितनीस थी वो पोस्ट इनमें से किस एम्पायर में थी। अब क्वेश्चन में आ सकता है दिल्ली सल्तनत में थी या मुगल एम्पायर में थी या मराठा एम्पायर में थी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है कि ही यूज टू प्रेफर गिविंग द कैश सैलरी टू हिज ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स के साथ साथ जो उसके आर्मी में सर्व करते थे मिलिट्री जो वर्कर्स थे उनको भी कैश में सैलरी दी जाती थी, एंड
अनटिल नाउ, मतलब शिवाजी से पहले पहले तक जो रेवेन्यू कलेक्शन था दैट वॉज द जॉब ऑफ द कुलकर्णीज एंड पाटिल्स, और उस तरीके से उनका जो ऑफिस था दैट वॉज हेरिडिटरी। तो कुलकर्णीज और पाटिल्स ही सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, और उसके बाद उनका जो सक्सेसर्स होते थे यानी कुलकर्णीज और पाटिल्स के जो बच्चे होते थे वो उस ऑफिस को अज्यूम कर लेते थे। लेकिन शिवाजी ने क्या किया, इस सिस्टम को चेंज कर दिया और रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है उसको हेरिडिटरी से ख़त्म कर दिया, यानी उसमें हेरिडिटी ख़त्म कर दी। अब जो है मेरिट के हिसाब से चूज़ किया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का काम। उसके साथ साथ शिवाजी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड द मीरसदार्स। तो मीरसदार्स कौन होते थे, दोज हु हैड द हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड, ठीक है। तो मीरसदार्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया किसने, शिवाजी ने। और बाद में मीरसदार्स ग्रू एंड स्ट्रेंथन देमसेल्स बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन कैसल्स इन द विलेज, ठीक है। तो मीरसदार्स जो है बाद में बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया विलेजेस पर, और उन्होंने जो है कैसल बिल्ड करने शुरू कर दिए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उनका लैंड के ऊपर हेरिडिटरी राइट था, तो इसी रीज़न की वजह से शिवाजी ने जो है उनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना शुरू किया। और जब उनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और वो जो है रूलर के लिए, किंग के लिए इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस करने लगे, सो उसके बाद शिवाजी डिस्ट्रॉयड देयर बेस्टियंस एंड फोर्स देम टू सरेंडर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन शिवाजी सप्लीमेंटेड हिज इनकम बाय लेविंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन विच केम टू बी 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो वो लैंड रेवेन्यू का 1/4 भी लेते थे फॉर द स्टेट, जिसको चौथाई या फिर चौथ बोला जाता था। तो इससे भी शिवाजी की जो इनकम थी दैट यूज टू गेट सप्लीमेंटेड बाय दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज नॉट ओनली अ डिजर्विंग जनरल। तो जनरल तो हमें डिजर्विंग हमें पता ही है कि ही उन्होंने मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश किया, तो इसलिए ही वॉज अ डिजर्विंग जनरल। इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ स्किलफुल स्ट्रैटेजिस्ट। ये हमें किससे पता चलता है कि एक तो जो मीरसदार्स की पावर इंक्रीज होने लग गई थी उसको उन्होंने स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया, उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ श्रूड डिप्लोमेट एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बाय कर्बिंग द पावर ऑफ द देशमुख। तो देशमुख की पावर भी उस टाइम पर बहुत स्ट्रांग हो रही थी, तो उसकी पावर को भी कर्ब करके उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन की। सो दैट्स वाई शिवाजी का जो रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब हम मराठा एम्पायर की बात करते हैं। तो सो आफ्टर शिवाजी, शिवाजी हैड टू सन्स, वन वॉज शंभाजी एंड अनदर वॉज राजाराम। तो शंभाजी हु वॉज द एल्डर सन ऑफ शिवाजी, ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द कोर्टियर्स, और जो है वो बहुत ही यंग एज में पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए थे, विच मीन्स एट अ एज ऑफ 9 ओनली। एंड ही वॉज वेरी लर्न्ड प्रिंस एंड हैड रिटन लिटरेरी वर्क्स लाइक बुद्ध भूषणम एट द एज ऑफ जस्ट 14। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध भूषणम जो है वो किसने लिखी है, इट वॉज रिटन बाय शंभाजी। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछती है। अब हम देखेंगे कि शंभाजी के टाइम पर क्या मेजर कंक्वेस्ट हुए थे, क्या मेजर कैंपेन्स हुए थे। तो पहली जो बिग अचीवमेंट है शंभाजी की वो ये है कि ही लेड अ रेड एट बुरहानपुर विच वॉज द बिलव सिटी ऑफ औरंगजेब। तो मुगल एम्पायर की जो सिटी थी बुरहानपुर, उस पर जो है शंभाजी ने सक्सेसफुली रेड किया एंड शंभाजी कलेक्टेड ह्यूज रैंसम एंड प्लंडर्ड द सिटी बट ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू टच एनी विमेन चिल्ड्रन और एनी मॉस्क। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस रेड का कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं था, उन्होंने जो है रिलीजन की वजह से बुरहानपुर पर रेड नहीं की थी बट टू कलेक्ट द ह्यूज रैंसम, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ पोर्चुगीज़ जो थे, शंभाजी ने पोर्चुगीज़ को भी डिफ़ीट किया था, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द मराठा फोर्सेज विच वर हंबिर राव, ठीक है। सो दैट्स वाई पोर्चुगीज़ वर वेरी मच अफ्रेड ऑफ शंभाजी। उस टाइम पर जो है पोर्चुगीज़ जिनकी कॉलोनी गोवा में थी, दे यूज़ टू प्रोवाइड सप्लाइज टू द मुगल्स। तो इस चीज़ को रोकने के लिए शंभाजी अंडरटूक अ कैंपेन अगेंस्ट पोर्चुगीज़ गोवा इन लेट 1683। तो पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट भी उन्होंने कैंपेन लीड किया था एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, ही स्टॉर्म द कॉलोनी एंड टेक इट्स फोर्ट। उसके बाद जब बीजापुर और गोलकंडा का डाउनफॉल हो गया था, मुगल एम्पायर्स ने मुगल जो फोर्सेस थी उन्होंने बीजापुर और गोलकंडा पे कंट्रोल कर लिया था। कब किया था, इसके बारे में मैंने आपको जब मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि औरंगजेब के टाइम पर बीजापुर और गोलकंडा को जो है कंट्रोल कर लिया गया है। कब, इन 1686-87 वाले कैंपेन में। तो उसके बाद जो है औरंगजेब का ध्यान जो है पूरी तरीके से मराठास पर फोकस हो गया। क्यों, क्योंकि मराठास की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी
अंडर शिवाजी एज वेल एज शंभाजी। इसीलिए 1686 में शंभाजी जो है उनको अटैक किया गया एट ए सीक्रेट हाइड आउट एट संगमेश्वर बाय अ मुगल फोर्स, और वहीं पर जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से शंभाजी की जो रेन थी वो एंड हुई। अब हम देखेंगे कि शंभाजी के डेथ के बाद कौन आया, हिज हाफ ब्रदर राजा राम अज्यूम द थ्रोन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिवाजी के जो है दो सन्स थे, फर्स्ट वॉज शंभाजी, सो आफ्टर द डेथ ऑफ शंभाजी अनदर सन ऑफ शिवाजी दैट इज राजा राम अज्यूम द थ्रोन एंड द मुगल सीज ऑफ रायगढ़ कंटिन्यूड एंड ही हैड टू फ्ली टू विशालगढ़ एंड देन टू जिंजी फॉर सेफ्टी। तो जो राजा राम का अगर हम देखें जो उनकी रेन थी दैट वॉज नॉट सिक्योर, ठीक है, तो राजा राम की रेन सिक्योर नहीं थी, मुगल्स ने जो है रायगढ़ पे उसको सीज कर लिया था, इसकी वजह से राजा राम को फ्ली करना पड़ा था टू विशालगढ़ एंड देन टू जिंजी फॉर द सेफ्टी एंड फ्रॉम देयर द मराठा रेडेड मुगल टेरिटरी एंड मैनी फोर्ट्स वर कैप्चर्ड। तो राजा राम के टाइम में ही फ्लेड टू विशालगढ़ एंड जिंजी बट लेटर मराठाज रेडेड मुगल टेरिटरी और बहुत सारे फोर्ट्स को रीकैप्चर भी कर लिया गया। उसके बाद 1697 में राजा राम ने क्या किया, मुगल्स को ट्रूस का ऑफर दिया बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाय औरंगजेब और उसके बाद राजा राम की डेथ हो गई इन 1700 एट सिन्हागढ़। तो इस तरीके से शिवाजी के जो दो बेटे थे उनकी डेथ हो गई। सो आफ्टर राजा राम किसने थ्रोन का कंट्रोल किसने अज्यूम किया, इट वॉज दी वाइफ और विडो ऑफ राजा राम दैट इज ताराबाई इन द नेम ऑफ हर सन रामाराज शिवाजी सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामाराज शिवाजी सेकेंड के नाम पर जो है ताराबाई ने पूरे थ्रोन का कंट्रोल ले लिया और देन शी लेड द मराठा अगेंस्ट द मुगल्स एंड बाय 1705 दे हैड क्रॉस द नर्मदा रिवर एंड एंटर्ड मालवा देन इन मुगल पोजेशन। तो इस तरीके से ताराबाई ने जो है वो मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ कैंपेन लीड किया और 1705 में यानी विद इन जस्ट 5 ईयर्स दे हैड क्रॉस दी नर्मदा रिवर एंड एंटर्ड मालवा और उसके बाद मुगल पोजिशंस में भी दे एंटर्ड यानी मराठा फोर्सेस। और जैसा कि हमें पता है कि शिवाजी टू वॉज माइनर, ही वॉज नॉट केपेबल टू रूल, दैट्स वाई मैनी मराठा नोबल्स जो थे मेनली धनाजी जाधव जो हैं दे डिफेक्टेड टू शाहूज साइड। तो वो चाहते थे कि जो है रामाराज जो है किंग नहीं बने, शाहू को किंग बनना चाहिए, ऐसा मराठा नोबल्स ने बोलना शुरू किया और उन्होंने शाहू को सपोर्ट प्रोवाइड करनी शुरू की। तो हु वॉज द शाहू, शाहू वॉज द सन ऑफ संभाजी। सो शाहू जो था उसको व्हेन ही वॉज वेरी यंग तभी जो है मुगल फोर्सेस शाहू एंड हिज मदर को प्रिजनर बना के अपने साथ ले गए थे। सो शाहू वॉज इन प्रिजन एट दैट टाइम बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 शाहू दैट इज सन ऑफ संभाजी वॉज रिलीज्ड बाय बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, सक्सेसर ऑफ औरंगजेब द न्यू मुगल एम्परर। तो व्हेन शाहू वॉज रिलीज्ड ही इमीडिएटली क्लेम द मराठा थ्रोन एंड चैलेंज हिज आंट ताराबाई एंड हर सन। तो ताराबाई एंड हर सन दैट इज शिवाजी टू वॉज एट द थ्रोन एट दिस टाइम बट व्हेन शाहू वॉज रिलीज्ड ही इमीडिएटली क्लेम द थ्रोन और उसके बाद शाहू जब थ्रोन पर आ गए ही अपॉइंटेड धनाजी जाधव एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मराठा फोर्सेस एंड साथ में बहिरोजी पिंगाले एज पेशवा। तो ये जो दो पोस्ट थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया शाहू ने, बहिरोजी पिंगाले को, और सुप्रीम कमांडर क्या बनाया मराठा फोर्सेस का, धनाजी जाधव को। और अगर हम देखें तो बहोरजी पिंगाले के बाद बालाजी विश्वनाथन और उसके डेस्केंडेंट्स जो हैं दे वर अपॉइंटेड एज पेशवाज ऑफ द एम्पायर, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग दिस एरा पेशवाज बिलोंग टू द भट फैमिली कंट्रोल द मराठा आर्मी एंड लेटर बिकेम डी फैक्टो रूलर्स ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू इन 1749। तो शाहू का कोई भी जो है सक्सेसर नहीं था, दैट्स वाई जो पेशवाज थे दे अज्यूम द थ्रोन आफ्टर द और दे अज्यूम द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू। अब हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। सो बालाजी विश्वनाथ जो थे ही वॉज द पेशवा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहू। सो शाहू अपॉइंटेड पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन 1713। तो आपको ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। अब हम बालाजी विश्वनाथ की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हिज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट वॉज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लोनावला इन 1714। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ लोनावला किसने की, इट वॉज डन बाय बालाजी विश्वनाथ। और इसका टाइम पीरियड क्या है,
टाइम पीरियड है 1714 और किसके साथ की, विद कन्होजी आंग्रे। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड कन्होजी आंग्रे वॉज द मोस्ट पावरफुल नेवल चीफ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और बाद में फिर कन्होजी आंग्रे ने ही एक्सेप्टेड द शाहूजी एज छत्रपति। तो उसने भी जो है मराठा एम्पायर के सामने गिव अप कर दिया और शाहूजी को एज अ किंग एक्सेप्ट कर लिया। देन 1719 में एन आर्मी ऑफ मराठास मार्च टू दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग सैयद हुसैन अली द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन। तो जो डेक्कन का मुगल गवर्नर था सैयद हुसैन अली उस टाइम पर, तो उसको डिफीट करने के बाद मराठास जो है वो अपनी आर्मी को लेकर दिल्ली पहुंचे एंड ही दे डिपोज द मुगल एम्परर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सब कब हुआ? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बालाजी विश्वनाथ व्हेन ही वॉज द पेशवा, एंड किंग कौन था? किंग उस टाइम पर छत्रपति जो था ही वॉज शाहू। सो द मुगल एम्परर्स बिकेम पपेट्स इन द हैंड of their Maratha overlords from this point on. तो यहाँ से जो है मराठास ने दिल्ली के ऊपर पूरा कंट्रोल establish कर लिया था, और इसके बाद जो मुगल emperors थे they were just puppets in the hands of the Maratha overlords. तो इस तरीके से जो है बालाजी विश्वनाथ थे। सो आफ्टर द बालाजी विश्वनाथ डेथ इन अप्रैल 1720 हिज सन बाजीराव फर्स्ट वॉज अपॉइंटेड पेशवा बाय छत्रपति शाहू। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट को पेशवा बनाया गया by whom? By शाहू। इवन मराठा नोबल्स वर अपोज टू इट, बट स्टिल शाहू अपॉइंटेड बाजीराव फर्स्ट एज इज पेशवा। अब हम बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनकी मेजर कैंपेन्स क्या क्या इवेंट्स थे। सो बाजीराव फर्स्ट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर और स्ट्रॉन्ग पेशवा। सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल जो है इसके टाइम की, वो है द बैटल ऑफ पालखेड़। तो ये कब हुई? February 28, 1728 में। ठीक है, कहाँ पर? पालखेड़ महाराष्ट्र में। किस किस के बीच हुई? बाजीराव फर्स्ट हु वॉज द पेशवा ऑफ द मराठास एंड द कमर उद्दीन खान आसफ जहा फर्स्ट ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो रूलर था उसके साथ बाजीराव फर्स्ट की ये बैटल हुई थी, और इसमें क्या किया, इसका रिजल्ट क्या आया कि मराठास जो थे दे डिफीटेड द निज़ाम। तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था उसको मराठास ने डिफीट कर दिया। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब? इन 1728। उसके बाद 1737 में मराठास अंडर बाजीराव रेडेड द सबर्ब्स ऑफ दिल्ली इन द बैटल ऑफ दिल्ली एंड द निज़ाम लेफ्ट डेक्कन टू रेस्क्यू मुगल्स फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मराठास। तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के बाद अब वो दिल्ली पे उन्होंने अटैक किया, दिल्ली पर रेड किया, और जो निज़ाम था ही लेफ्ट डेक्कन टू रेस्क्यू मुगल्स फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मराठास, लेकिन उस निज़ाम को भी डिफीट कर दिया गया था इन द बैटल ऑफ भोपाल। ठीक है, और इस तरीके से मराठास जो हैं दे एक्सट्रैक्टेड अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम द मुगल्स, और उसके बाद दे साइंड अ ट्रीटी विच सीडेड मालवा टू द मराठास। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन दे रेडेड दिल्ली तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट, लार्ज ट्रिब्यूट मिलनी शुरू हो गई। किससे? मुगल से। और इस ट्रीटी के अंदर जो है मालवा का जो एरिया है वो भी मराठास के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से एरिया जो हैं वो मराठास के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। सो 1728 में हैदराबाद के, देन 1737 में मालवा वाला एरिया भी मराठास के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट बैटल हैपन्ड विच वॉज द बैटल ऑफ वसई। सो बैटल ऑफ वसई किस किस के बीच हुई? मराठास के बीच में और पोर्चुगीज रूलर्स जो थे वसई के उन दोनों के बीच में। ठीक है, सो मराठास की जो फोर्स थी दैट वॉज लेड बाय चिमाजी अप्पा हु वॉज द ब्रदर ऑफ बाजीराव, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी मराठास की विक्ट्री हुई एंड दैट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ बाजीराव्स टाइम इन ऑफिस। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मिलिट्री विक्ट्रीज के साथ साथ बाजीराव का जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है, दैट इज सीन इन द डोमेन ऑफ कंसोलिडेटिंग द मराठा एम्पायर। सो बहुत सारी मिलिट्री विक्ट्रीज जो है वो बाजीराव फर्स्ट के टाइम पर हुई थी, लेकिन अगर हम देखा जाए कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन था बाजीराव का तो वो था कि पूरे मराठा पावर को उन्होंने कंसोलिडेट किया। इससे पहले जो है मराठा की पावर कंसोलिडेट नहीं थी, कहीं कहीं अलग अलग एरियाज में जो है इट वॉज स्प्रेडेड। तो उसको पूरा कंसोलिडेट किसने किया? बाजीराव फर्स्ट ने। कैसे? ही ज्वाइन हैंड्स विद द रघुजी भोंसले ऑफ नागपुर। तो नागपुर का जो रूलर था उसके साथ साथ उन्होंने ट्रीटी की। देन इंदौर का रूलर था मल्हार राव होलकर। देन बड़ौदा का रूलर पिल्लाजी गायकवाड़। देन ग्वालियर का रूलर रानोजी सिंधिया। सो इस तरीके से इन सारे रूलर्स के साथ जो है ही ज्वाइन हैंड्स ट्रीटी करके एंड ही फॉर्म्ड अ पावरफुल मराठा कॉन्फेडरेसी। तो इस तरीके से ये सारे जो एरिया थे ये भी मराठा कॉन्फेडरेसी के अंडर आ गए थे। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव फर्स्ट। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बाजीराव। अब हम देखेंगे कि
प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स इन 1750। तो बाजीराव फर्स्ट का जो रेन एंड हुई, जब उनका जब पेशवा जिस टाइम पर वो थे, व्हेन इट एंडेड, तो ये जो थी हमारे पास यहाँ पर मैप गिवन है, दिस वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मराठा का जो एम्पायर है, तो इसमें बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, सिंधियाज, ये सारा जो एम्पायर है दैट वॉज इन द कंट्रोल ऑफ मराठाज, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन बालाजी बाजीराव केम, तो उन्होंने किस इस एरिया पर कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश किया और किस तरीके से जो है मराठा एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया। सो अब हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। सो ही वॉज द सन ऑफ बाजीराव फर्स्ट, और बालाजी बाजीराव का किस और नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज नोन बाय द नेम ऑफ नाना साहिब, एंड ही वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट पेशवा बाय शाहू जी। ठीक है, सो शाहू जी के ही टाइम पर जो है ये तीनों पेशवा थे, कौन कौन, बालाजी विश्वनाथन, ठीक है, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, एंड देन बालाजी बाजीराव। सो शाहू जी के टाइम पर ये तीनों जो हैं वो पेशवास थे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेकिन व्हेन 1749 में व्हेन शाहू डाइड, तो रामराज बिकेम द छत्रपति और किंग ऑफ द मराठा एम्पायर, अगेन ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो अब हम पढ़ेंगे कि बालाजी बाजीराव के टाइम पे क्या क्या मेजर कैंपेन्स थे, क्या क्या मेजर इवेंट्स थे। सो ही अंडरटुक मैनी कैंपेन्स बोथ इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द साउथ, और इस तरीके से मराठा जो सुजरेनिटी है, ही एस्टैब्लिश मराठा सुजरेनिटी ओवर मालवा गुजरात एज वेल एज ओवर बुंदेलखंड। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने जो है सेवरल राजपूत रूलर्स से भी वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, यानी राजपूत रूलर्स के ऊपर भी जो है मराठा कॉन्फेडरेसी का इन्फ्लुएंस था। देन मराठा चीफ जिनका नाम है रघुजी भोंसले, ही अटैक द नवाब अली वर्दी खान ऑफ बंगाल। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पर मराठा का कंट्रोल था, बालाजी बाजीराव के टाइम में रघुजी भोंसले ने बंगाल यानी जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ का जो रूलर था नवाब अली वर्दी खान उस पर भी अटैक कर दिया, एंड ही फोर्स देम टू सरेंडर उड़ीसा। ठीक है, तो इस अटैक से क्या हुआ, उड़ीसा को सरेंडर कर दिया गया बाय नवाब अली वर्दी खान, एंड ही अग्री टू एन एनुअल पेमेंट ऑफ चौथ ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल और बिहार का जो चौथ थी यानी फोर्थ, वन फोर्थ जो पार्ट था वो भी एनुअल पेमेंट किया जाएगा आफ्टर दिस बैटल टू द मराठास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन 1752 में पेशवाज ने जो है वो मराठा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया दिल्ली के ऊपर। तो बंगाल बिहार वाले जो एरियाज थे वो रेवेन्यू देते थे मराठास को, राजपूत रूलर्स भी रेवेन्यू देते थे, मराठास ने मालवा गुजरात और बुंदेलखंड पर अपनी सुजरेनिटी एस्टैब्लिश कर ली थी, और 1752 में मराठास ने दिल्ली के ऊपर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। सो ये जो था ये तो पूरा नॉर्दर्न पार्ट में जो बालाजी बाजीराव ने कंक्वेस्ट की थी। अब हम आएंगे साउथ पे, तो साउथ में ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 1760, और उन्होंने जो है बीजापुर, अहमदनगर और साथ में कुछ पार्ट्स ऑफ बीदर, द फोर्ट ऑफ दौलताबाद एंड सेवरल अदर फोर्ट्रेस को डिफीट कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि हैदराबाद पर, बीजापुर पर, अहमदनगर पे, साथ साथ बीदर और फोर्ट ऑफ दौलताबाद जो था उस पर भी मराठास का कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो साउथ में इन्होंने यही किया। तो हमारे पास जो 1750 में मराठास का ये मैप हमारे पास गिवन है, लेकिन अगर हम बालाजी बाजीराव के टाइम पर देखें तो उड़ीसा जो है वो भी मराठास के कंट्रोल में आ गया, और बंगाल एंड बिहार से क्या लेते थे, वो रेवेन्यू लेते थे। देन जो राजपूत थे उससे भी मराठास क्या लेते थे, रेवेन्यू लेते थे। उसके बाद जो दिल्ली वाला एरिया है इस पर भी मराठास का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी उन्होंने हरा दिया, सो दिस वॉज ऑल्सो मराठा का पार्ट। उसके साथ साथ अहमदनगर और बीजापुर का जो एरिया था, अहमदनगर एंड बीजापुर, तो इस पर भी जो है मराठा का कंट्रोल इस्टैब्लिश हो गया। सो ये सब कब हुआ, बालाजी बाजीराव के टाइम पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल अगर हम देखें बालाजी बाजीराव के टाइम पे, सो दैट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कब हुई, 1761 में हुई। इससे पहले दो बैटल्स ऑफ पानीपत हो चुकी थी और इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि वो जो दो पानीपत की बैटल्स हुई थी वो कब कब हुई थी और किन किन रूलर्स और फोर्सेस के बीच में हुई थी, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई, किसके बीच, बिटवीन द मराठा फोर्सेस एंड द अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत। तो इसका रिजल्ट क्या निकला,
इसमें क्या है, पेशवाज को क्रशिंग डिफीट मिली, इसमें जो है मराठा फोर्सेस जो है वो विन नहीं की, दे लॉस्ट, एंड दिस गेव सीवियर ब्लो टू द राइजिंग सुप्रीमेसी ऑफ द मराठास। तो इसके बाद के जो भी पेशवाज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज़ द इंडिया इन द लेट 18th century। तो जिस तरीके से और भी पावर्स डेवलप हुई थी, तो मराठास का उन सारी पावर्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन था, वो हमें कब बेटर समझ आएगा, जब हमें पता होगा कि उस टाइम पर अदर पावर्स क्या थी। तो इसलिए जो इसके बाद के जो भी पेशवाज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड गाइस, दिस वाज इट फॉर दी मराठा एम्पायर। आई होप आपको मराठा एम्पायर ने किस तरीके से कौन कौन से रूलर्स आए, देन पेशवाज का किस तरीके से रूल रहा, ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995 एंड द क्वेश्चन इज, अष्ट प्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन और इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो शिवाजी थे ही अपॉइंटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनको अष्ट प्रधान बोला जाता था, इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1998 में आया है एंड द क्वेश्चन इज, द मेंबर ऑफ शिवाजी अष्ट प्रधान, शिवाजी अष्ट प्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स, पेशवा, सचिव, पंडित राव और सुमंत। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर और जो सचिव होता था दैट वॉज फॉर पर्सनल अफेयर्स, देन पंडित राव फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड सुमंत जो होता था ही यूज टू लुक आफ्टर फॉरन अफेयर्स। ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके बैक स्लाइड्स में जा सकते हैं। सो सुमंत वॉज द वन हु यूज टू कंट्रोल द फॉरन अफेयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी, दैट्स वाई हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2000 and the question is, who among the following streamed line the Maratha administration after Shambhaji? तो हमारे पास options हैं राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई एंड नानाजी देशमुख। तो ये वाला question जो है वो गलत करने की बहुत ज़्यादा probability है, क्योंकि most of the students क्या करेंगे कि शंभाजी जो थे उनके बाद कौन ruler आया था, उनके बाद ruler आया था राजाराम। सो मोस्ट ऑफ दिस एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, वो राजा राम पर टिक लगा के आएंगे, बट दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है विच इज स्ट्रीमलाइंड। तो स्ट्रीमलाइंड का क्या मतलब है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बैरियर के शंभाजी के बाद किसने रूल किया मराठा एम्पायर पे। सो राजा राम जो है उसके टाइम पर बहुत सारी बैरियर्स थी जिसकी वजह से ही हैड टू इवन फ्लेड द मराठा एम्पायर। ठीक है, सो राजाराम हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज़ बालाजी विश्वनाथ। सो बालाजी विश्वनाथ वॉज द पेशवा और उन्हीं के टाइम पे जो है मराठा एम्पायर को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो है बहुत ही स्मूथली रन किया गया था, एंड दैट वॉज फर्स्ट टाइम डन बाय आफ्टर शंभाजी। तो शंभाजी ने मराठा एम्पायर को बहुत ही स्मूथली रन किया और उसके बाद जो भी रूलर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन बालाजी विश्वनाथ जो थे इस तरीके से उन्होंने जो है पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी उसको स्ट्रीमलाइन किया, दैट्स वाई बी इज द आंसर हेयर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2003 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ए का। सो असर्शन स्टेटमेंट है, मराठास इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जैसे औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद जो है मराठास जो है दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर और उन्होंने जो है नॉर्थ में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली पे भी उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कंट्रोल कर लिया था, देन बंगाल और बिहार वाले भी एरिया उनको रेवेन्यू देते थे, देन राजपूत जो थे वो भी उनको ट्रिब्यूट देते थे, तो नॉर्थ के साउथ 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 में यानी हैदराबाद में, अहमदनगर, बीजापुर, इन सारे एरियाज़ में भी मराठा का जो है कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया था। तो मुगल्स के बाद जो है मराठास केम और इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटिव पावर, दैट्स वाई असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देन रीज़न है, मराठास वर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ अ यूनाइटेड इंडियन नेशन।
नेशन. तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं दोज आर वेरी ट्रिकी, बिकॉज इनके बारे में ऐसे डायरेक्ट किसी भी एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक में गिवन नहीं होता. ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिड्यूस्ड स्टेटमेंट होते हैं, यानी जो भी हम स्टडी करते हैं बुक से उससे हमें क्या समझ आता है, हमारी समझ के ऊपर डिपेंड होता है. सो मराठास के बारे में हमने पढ़ा है कि मराठास जो थे वो फ्यूडल जो सिस्टम था उसमें बिलीव करते थे, यानी वो अपनी जो पावर है वो सिर्फ किंग ही अपनी पावर पूरे पे इस्टेब्लिश नहीं करता था. जैसे हमने देखा कि बंगाल और बिहार वाले एरिया को कॉन्कर करके भी उन्होंने क्या है वहाँ से सिर्फ रेवेन्यू लेते थे, उस तरीके से राजपूत से भी वो ट्रिब्यूट लेते थे. तो उनका जो सिस्टम था दैट वॉज फ्यूडल सिस्टम. तो फ्यूडल सिस्टम जो था उससे हमें जो यूनाइटेड इंडियन नेशन का जो कंसेप्ट है उसकी हमें नॉलेज नहीं मिलती है, उससे हमें नहीं पता चलता. वो एक यूनाइटेड इंडियन नेशन को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ फ्यूडल सिस्टम जिसमें कि उसे उन्हें ट्रिब्यूट मिलती रहे और जो रूलर्स थे. इसलिए जो रीजन वाला स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2000, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट गिवन है. सो जो पहली लिस्ट है उसमें हमें दी गई है लैंड फॉर्म्स, यानी किस तरीके से जो है लैंड्स का नाम दिया गया है, और यहाँ पर हमें डिफरेंट डायनेस्टीज गिवन है. सो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन किया है. सो इक्ता के बारे में, जो इक्ता का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया था, दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दिल्ली सुल्तान्स इन इंडिया. सो दिल्ली सुल्तान के टाइम में जो पूरा एम्पायर है उसको इक्ताज में डिवाइड कर लिया गया था, ठीक है. सो इसलिए ए इज मैच टू टू. सो अगर हमें पता है कि ए इज मैच टू टू तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, एज वेल एज ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा जागीर. तो जागीर वाला जो सिस्टम है वो मुगल्स के टाइम में शुरू हुआ था, मुगल्स में मैंने आपको बताया भी था. सो बी इज मैच टू थ्री. सो दोनों ही ऑप्शन में बी इज मैच टू थ्री. उसके बाद जो अमारम का कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर में जो पूरा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपको एनसीईआरटी वाली बुक से खुद पढ़ना है. तो अगर आपने पढ़ा है तो ये वाला आप इजीली बता सकते हैं कि जो अमारम है दैट इज वॉज इन द विजयनगर. सो सी इज मैच टू फोर. सो ए इज मैच टू टू, थ्री बी इज मैच टू थ्री एंड सी इज मैच टू फोर. दैट्स वाई हम सी को भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर है ऑप्शन बी. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो मोकस है दैट वॉज इन द टाइम ऑफ मुगल्स. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए यही मेथड आपको एग्जाम में भी यूज़ करना है. देन उसके बाद नेक्स्ट है 1995 में वाला क्वेश्चन आया है, द मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वोडियाज, जमोरिन्स, होयसलास और मराठास. तो मोदी स्क्रिप्ट के बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, और एटलीस्ट आई हैवंट फाउंड इट. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी बहुत ही रेयरली पूछती है. तो या तो ये हो सकता है कि 1995 के टाइम में मोदी स्क्रिप्ट वॉज मस्ट बी न्यूज़, तो उससे वाला क्वेश्चन आया है. और अगर उससे नहीं आया तो एनसीईआरटीज में गिवन नहीं है, तो आपको नहीं पता तो किसी को भी नहीं पता होगा. बट इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मराठास. और ये इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा कॉमन सेंस का. तो जनरली आप बुक्स में इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मराठा जो लैंग्वेज है, जो मराठी लैंग्वेज है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठास. तो इट वॉज इन द मोदी स्क्रिप्ट. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ जनरल नॉलेज. इसी तरीके से जो मराठी है दैट इज़ रिटन इन मोदी स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठास. तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इट. यहाँ पर मराठा एम्पायर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे. एंड फॉर मोस्ट सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आर यूट्यूब चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. अगला जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हम जो रिमेनिंग पेशवाज हैं उनका क्या इंटरेक्शन था अदर स्टेट्स के साथ साथ, और अदर स्टेट्स में किस तरीके की जो पावर्स हैं वो इमर्ज हो रही थी, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.